कुछ माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। वो ये करने की कोई जरूरत नहीं। कि खुदा के फैसले हम बदल नहीं सकते और खुदा के फैसले कभी हमारे लिए बुरे भी नहीं होते। हमारी चाहत और हमारी ख्वाहिशों से बढ़ के खुदा के फैसले हमारे हक में बेहतर होते हैं। हातिमा क्या सोविया जा रही है? मिलने आई थी हमसे। तुम लोग बैठो मैम, मैं अभी आई। खुश हो हमेशा। थैंक यू। सुंबुल के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत अच्छी लड़की है, और मैं चाहती हूँ कि तुम उसको यकीन दिलाओ कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं हूँ। पता है, मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है कि अपनी मोहब्बत को गवा देने का दुख उस सुख के सामने बिल्कुल मायने नहीं रखता जब आपको कोई सब कुछ जानते हुए भी शिद्दत से चाहे। जिसे चाहा जाए उसके बजाय आपको उसका साथ मिल जाए जो आपको चाहता हो, वही साथ ज्यादा देर पा होता है। खुदा आदम पर तुम्हारे इस भरोसे को हमेशा कायम रखे। अच्छा एक बात और, मैं इस बार सुंबुल को अपनाने का मशवरा बतौर सजा नहीं दे रही, बल्कि इसलिए दे रही हूं कि अगर खुदा ने मेरे दुखों का मदावा अदन की सूरत में किया है तो हो सकता है कि तुम्हारे दुखों का मदावा सुंबुल के साथ में रखा हो। सोमिया ये रख लो बेटा, मैं तो तुम्हें आज रुखसत कर रही हूं। अरे इसकी क्या जरूरत है? बस गार नहीं सुनोगी, रख लो। नाजिया कहाँ है? वो अक्सम बाहर ही खड़ा हुआ था, नाजिया उसके साथ चली गई। कहती है मेरा काम तो हो गया, तो अब मेरी जरूरत नहीं है। पिछली बार मैं तुम्हें अपने घर लाई थी लेकिन मैंने तुम्हें वेलकम नहीं किया था, इस बार दिल से वेलकम कर रही हूँ। जाओ अदन, सोमिया को उसके कमरे में ले जाओ। आज तो बिल्कुल पहले दिन वाला एहसास हुआ। नहीं आप मुझसे पूछें तो मेरी फीलिंग्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि जब मैं इस घर में आई थी तो
अपने साथ इस कमरे में एक खौफ लेके आई थी, आपकी जिंदगी से कभी भी निकाल दिए जाने का खौफ। लेकिन अब वो खौफ कहीं है ही नहीं। मैंने आपको यकीन दिलाया था ना कि हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। आप मुझसे वादा करें कि अब आप आइंदा किसी की भी बातों में नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है सोनिया, अब मैं ऐसी हिमाकत कर सकता हूँ? मोहब्बत के पौधे को अगर एतबार का पानी ना मिले तो वह एक मुरझाए हुए पौधे की तरह अपना मुकाम खो देती है। ट्रस्ट मी सोनिया, अब ऐसा नहीं होगा। शेरी घर पर है? घर पर ही। मैं उससे मिल सकती हूँ? आपका घर है, आपका जिससे भी मिलने को दिल चाहता है आप मिल सकती हैं। मैं पहले जब इस घर में आई थी तो तुम खुद मुझसे मिलने के लिए आई थी, तुम आज आई नहीं तो मैंने सोचा कि मैं खुद मिलने के लिए तुमसे आ जाऊं। वापसी मुबारक हो। मैं मिलने इसलिए नहीं आई थी कि इस खुशी के मौके में शायद तुम्हें मेरा वजूद अच्छा ना लगे। हमारी खुशी, हमारी मोहब्बत एक ही शख्स से जुड़ी है तो मुझे तुम्हारा वजूद क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मुझे अदन की जिंदगी में बर्दाश्त कर पाओगी तुम? जितनी मोहब्बत अदन मुझसे करते हैं मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरी तुमसे एक गुजारिश है कि मेरे माजी में झांकना छोड़ दो, क्योंकि वहां पे तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिसकी वजह से मुझे नदामत हो या ऐसी कोई बात हो जिसके बारे में अदन को ना पता हो। उसके अलावा मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। आइंदा कोई शिकवा नहीं होगा तुम्हें मुझसे। थैंक यू। आप शायद कुछ भूल रहे हैं। आपको याद है? थैंक यू। बेगम साहब आप दोनों को नाश्ते के लिए बुला रही हूँ। चलो ठीक है, आप जाएं, हमारे मॉम चाहती हैं कि उनकी बहू उनके साथ नाश्ते की टेबल पे बैठ के नाश्ता करे। इज़न्ट दैट अमेजिंग? मुझे बुशरा को भेजा है उन्होंने हमें बुलाने के लिए। इसका मतलब है कि वो अब चाहती हैं कि हम सब साथ बैठें मिलकर। तो क्या ख्याल है, क्लैशेस और डिफरेंसेस भुला के जाएं? जी। Let's go. Thank you. सुंबुल के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत अच्छी लड़की है, और मैं चाहती हूँ कि तुम उसको यकीन दिलाओ कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं हूँ। मैं इस बार सुंबुल को अपनाने का मशवरा बतौर सजा नहीं दे रही, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि अगर खुदा ने मेरे दुखों का मदावा अदन की सूरत में किया है तो हो सकता है कि तुम्हारे दुखों का मदावा सुंबुल के साथ में रखा हो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। शीरिन को बोला नाश्ते के लिए? जी मैंने कहा था वो आ रही। शीरिन आओ आओ बेटा बैठो। सॉरी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी जगह पे बैठ गई। मेरी जगह पे? मेरी जगह मैं पहले ही तुम्हें दे चुकी हूँ। बैठ जाओ। ये क्या? हम दोनों यहाँ पर बैठकर आप पे नजर रखेंगे। क्यों शीरी? निकालो बेटे लोग। आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। सच बताऊं आपको, ऑफिस में दिल ही नहीं लग रहा था आज मेरा। ऑफिस में दिल आपका नहीं लग रहा था, डांट आंटी से मुझे पड़ेगी। क्यों? आपको डांट क्यों पड़ेगी? क्योंकि आंटी को ऐसा लगेगा कि मैं आपको काम नहीं करने देती। ऐसे बात तो ठीक है। अदन नहीं करे। क्या काम? आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मोहब्बत इतना इख्तियार तो देती है कि नहीं? कॉफी। थैंक यू। आई हैव अ प्लान। ऐसा करते हैं कि अच्छी जगह पे लंच करते हैं, उसके बाद वी कैन ड्राइव अराउंड। व्हाट डू यू से? प्लान तो अच्छा है, लेकिन पहले आंटी से पूछ लें। मॉम ने क्यों मना करना है? पूछ लेंगे तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे तो लग रहा है कि सोनिया तुमसे ज्यादा समझदार हो गई है। तुम दोनों का जहां दिल चाहता है जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, आइंदा मुझसे इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू आंटी। शेरी से पूछ ले। मैं पूछ तो लेता हूँ, बट मुझे लगता है वो जाएगी नहीं। तो मैं पूछ के आता हूँ। तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। मैं खुश फहमियाँ नहीं पालती, इसलिए अंदाजे भी नहीं लगाती। तो मैं तुम्हारी अमानत लुटाने आया हूँ। मेरी अमानत? तुम्हें शायद जिक्र अच्छा ना लगे, लेकिन कहते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा करते हैं ना, उनका जिक्र करना भी जरूरी है। सोमिया कहती है कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए इनाम है। उसने कहा और तुमने मान लिया? बहुत दिल दुखाया था मैंने उसका। उसकी जिंदगी में जो भी आया, उसने उसके सब दुखों का मदावा कर दिया। उसे लगता है जिसे चाहा जाए उसकी जगह उसका साथ सबसे पायदार होता है, जो हमें चाहता है। तुम्हें मेरी चाहत पर एतबार है? तभी तो लौट कर आया हूं तुम्हारे पास। तुमने ही कहा था ना कि जब मैं इस रिश्ते को दिल से मान लूं तो तुम्हारी तरफ लौटूं। काश मुझे पहली दफा अंगूठी पहनाने से पहले तुमने सोमिया से मशवरा कर लिया होता, तो तुम्हारी तरफ से इग्नोर होने का मुझे इतना दुख नहीं होता।
उस वक्त भी मैंने सोमिया के कहने पर हामी भरी थी, लेकिन उस वक्त उसके मशवरे में खुलूस नहीं था। उस वक्त उसने मुझे वो सबक नहीं सिखाया था जो वो मुझे अब सिखाकर चली गई। कि चाहने से ज्यादा हसीन एहसास चाहे जाने का होता है ना। तुम यहाँ क्यों आ गई? ऐसे ही। अच्छा, वो मैं और सोमिया बाहर जा रहे हैं, तुम चलोगी हमारे साथ? आप लोग जाएं। सोमिया से पहले ही कह रहा था कि तुम इनकार कर दो। क्यों? आप ये समझ रहे हैं कि मैं उससे हसद करने लगी हूँ? आप दोनों को देखकर मुझे जेलसी फील हो रही है। क्या हो गया शीरी तुम्हें? मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा। अभी तो आपने कहा था कि आपको यकीन था कि मैं आप लोग के साथ नहीं जाऊंगी। हाँ, तो वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे यकीन है तुम मुझे और सोमिया को ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ देना चाहती हो। देखो शीरिन, मुझे और सोमिया को मिलाने के लिए तुमने जो कुछ किया है ना, उसके बाद तुम्हारे बारे में ऐसा सोचना भी मेरे लिए गुनाह है। मैं यही चाहती हूँ कि आप दोनों ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। Thank you. बेटा, मुझे तो लग रहा था कि तुमने दिल से इस फैसले को तस्लीम कर लिया। ऐसे ही है। आप परेशान मत हो। देखो बेटा, जितना मैं सोमिया को जान पाई हूं ना, उससे मुझे लगता है कि वो लड़की तुम्हें ज्यादा टफ टाइम नहीं देगी। बहुत जल्दी समझ गई हैं आप उसे। बेटा, जब साथ ही रहना है तो एक दूसरे को समझ लेने में क्या हर्ज है। खाला, आप सच बता, आपने वाकई में सोमिया को दिल से कबूल कर लिया? खाला बताएं। तुम भी कर लो, हम सबका सुकून अब इसी में। सोमिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहचानी नहीं। मैं सुंबल। सुंबल? मैं जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैंने सोचा था कि आपका नंबर हातिम से लूं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि शायद वो आपका नंबर ना देता। इनफैक्ट मुझे आप ही से मिलना था। मुझसे क्यों मिलना था? मुझे आपको सॉरी बोलना था और थैंक यू भी कहना था। आई एम सॉरी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही। सॉरी इसलिए बोलना था कि जो पिक्चर्स मैंने राहिला को दिखाई थी, उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। एंड थैंक यू इसलिए बोलना था कि आपकी वजह से हातिम दोबारा लौट आया। अब वो मिला था आपसे?
मिला था ना, हमेशा के लिए मिल गया। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सोमिया, इसकी हातिम से मंगनी हुई थी ना? हाँ, और अब इनकी मंगनी बहाल हो गई है। सीरियस? या अल्लाह मुझ पर रहम कर दे। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलतियां की हैं। बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन अगर नमान ने मुझे माफ नहीं किया तो मैं सारी जिंदगी निदामत का बोझ उठा कर नहीं जी सकती। नमान के दिल में मेरे लिए रहम पैदा कर दे, मुझे माफ कर दे, से दूर मत लेके जा। सुबह सवेरे कौन आया? अल्लाह खैर करे। मैं देता हूँ। शाइस्ता, सुबह सवेरे खैरियत तो है? अभी तो सब खैरियत है भाग, लेकिन अगर नुमान ने राहिला को माफ नहीं किया तो एक दिन ऐसे ही मैं आऊंगी और आकर बताऊंगी कि उसने अपनी जान दे दी। तो पाप अंदर है। नमान बेटा, वो सारी सारी रात रोती है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाती है। उसे अपनी गलती का एतराफ है, लेकिन उस पागल को वक्त को वापस मोड़ने का हुनर नहीं आता। तो मैं क्या करूं? मैंने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो इस तरह करेगी मेरे साथ। सबको रद्द करके हमेशा उसकी बात सामने रखी मैंने, उसे सच्चा माना, मेरे एतबार का नाजायज फायदा उठाती रही, धोखा देती रही मुझे। हो गई ना गलती, माफ कर दो बेटा उसको। ये लोग, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज आप ये सब मत कर। शायस्ता, हमारे बच्चे बड़े नादान निकले, अंदाजा ही नहीं। दिल से जुड़े रिश्ते इतनी आसानी से टूटते नहीं हैं। राहिला ने जो कुछ किया, लेकिन उसे दिल से नुमान को अपनाया। राहिला अपने किए पे शर्मिंदा है, और नुमान राहिला को माफ ना करके उससे बड़ा गुनहगार बन रहा है। ये तो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा भाभी। सुनेगा शाइस्ता, इस वक्त ये शैतान की आवाज को दबा नहीं पा रहा जो मियां बीवी के बीच में फसाद कर कर खुश होता है। जब शैतान की आवाज को दबा पाएगा तभी तो उसके दिल में राहिला की हक की आवाज उठे। मेरी बेटी का घर उजड़ने से बचाने भाभी, उस पागल को तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं हुआ कि कितनी बड़ी नदानी कर रही। सोमिया की अदन से शादी हुई तो उसने खुद को समझा लिया कि हातिम उसके नसीब में नहीं था, लेकिन राहिला और नुमान की मोहब्बत पाकर भी खुद को ये नहीं समझा पाई कि हातिम उसका नहीं है। यकीन करें भाभी, राहिला ने हमेशा नुमान की तारीफ की है। मैं तो बहुत खुश थी
क्योंकि वो भी नौमान से मोहब्बत करने लगी। उसने आतिम से इंतकाम जरूर लिया सिर्फ अपनी नफरत में। शायस्ता मुझे वजाहत क्यों दे रही है, मुझे अंदाजा है। और मेरी बहू ने चाहे जो कुछ किया शर्मिंदा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो आइंदा कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी। तो फिर नुमान से कहना उसको घर वापस ले आए, नहीं तो रो रो के या तो वो मर जाएगी या मैं नहीं रोऊंगी। शायस्ता मुझे लगता था कि नुमान मेरी कभी कोई बात नहीं टालेंगे, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि उन्होंने मेरी बात ना मानने की कोई कसम खा रखी। और अब तो किसी की भी बात नहीं मान रहे। क्या पप्पू, आप तो कह रही थी कि मेरा इंतजार कर रही है, इसे तो मुझे देखते ही रोना शुरू कर दिया। ठीक है मैं चलता हूं। तुम्हें लेने आया हूं, छोड़ के कैसे जाता हूं? चलोगी मेरे साथ? मैंने तुमसे कहा था ना, जिस दिन नुमान ने तुम्हें माफ कर दिया था, वल्लभ भी तुम्हें माफ कर देगा। जाओ अपने घर। ये क्या बेबी जी, लाए मैं चाय बना देती हूँ। मैंने सोचा कि आप मसरूफ होंगी। अब नहीं, मेरा काम तो ख़त्म हो गया, आप जाए मैं चाय ले आती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बेबी जी आपकी चाय। चाय यहाँ पे रख दे। बीबी जी कोई और काम मेरे लायक हो तो आप बता दे। खुश रहे, कोई भी काम होगा मैं आपको आवाज दे दूंगी। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बड़ी देर कर दी। हाँ बस दिन बहुत ही मसरूफ गुजरा है और थकन भी खूब ही हो रही है आज तो। खाना लगवा दूं?
खाना तो नहीं, फिलहाल मुझे चाय चाहिए। अगर चाय मिल जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। मेरी चाय वैसे अभी अभी आई है, यहाँ रखी हुई है, अगर चाहें तो पी सकते हैं। वाओ, कुछ और ही मांग लेते। मैं बुशरा को खाने का कह देती हूँ। शीन बेटा, मैं सोच रही हूँ कि कल सबको खाने पर बुलवा लूँ, क्या ख्याल है? बुलवा लूँ खाने पर सबको? जी खाला, जैसे आपकी मर्जी। अधन, मैंने बुशरा को कह दिया है खाने का। अधन, 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 अम्मी, शीरी, आंटी, अधन, आंटी, अधन, क्या? क्या हुआ अधन को? क्या हुआ अधन को? मैं कुछ नहीं जानती। अच्छे से अच्छा स्पेशलिस्ट अरेंज करो, मेरे अदन को कुछ नहीं होना चाहिए। ओके मॉम। राज, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? पता नहीं अभी लेकर गए अंदर। जी पेशेंट के साथ आप सब लोग? जी जी डॉक्टर साहब, मैं मदर हूँ उसकी। क्या हुआ है मेरे बेटे को? आपके बेटे को जहर दिया गया है। पर ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप उसे वक्त पे लेके यहाँ पहुंच गए, और कहीं अगर जरा सी भी ताखीर हो जाती तो ये जहर उसके तमाम इंटरनल सिस्टम को बुरी तरह डैमेज कर सकता है। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। देखें, ये पुलिस केस है। डॉक्टर साहब, आप पेशेंट का ट्रीटमेंट जारी रखिए, पुलिस भी यही है और हम लोग। यू डोंट वरी, हम अपना काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बस आप दुआ कीजिए। थैंक यू। खाला, अदन को ऑफिस में तो कहीं किसी ने? नहीं बेटा नहीं, अदन अदन तो ऑफिस से बिल्कुल ठीक आया था घर पर। इसी को पता होगा, जो कुछ किया इसी ने किया, बता नहीं रही है ये।
सुनिए बताओ ना, बताओ क्या हुआ था भाई को। मैं कुछ नहीं जानती। मैं जब कमरे में आई थी तो अदन जिस हालत में मिले, वो आंटी शीरी, मैंने हम सबने देखा था, मुझे कुछ नहीं पता। झूठ बोल रही है ये। तुमने जरूर कुछ खिलाया है मेरे बेटे को। मेरे बेटे की जो हालत हुई वो उसी कमरे में जाकर हुई थी। तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती थी तो बता देती, क्या जरूरत थी उसके साथ आने की। नुमान राहिला को ले आया है। वाकई? अल्लाह का शुक्र है अम्मी। अगर नुमान ऐसा ना करता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। तुम्हारी तो आदत है दूसरों की गलतियों का जिम्मेदार खुद को ठहरा लेने की। पता नहीं कहां से लाते हो इतना हौसला। अच्छा ये बताएं, आप राहिला से मिलने गई? हाँ वहीं से तो आ रही हूँ। बहुत बदल गई है भाई, लगता ही नहीं कि वो पहले वाली राहिला है। जैसे मूसलाधार बारिश के बाद दरख्तों के पत्ते साफ हो जाते हैं ना, मैं बस इसी तरह इंसान सच्ची तौबा करने के बाद निखर जाता है। बस अम्मी दुआ कीजिएगा कि अब मामू के घर कोई और आजमाइश ना देखे। आमीन आमीन। टेस्ट से ये तो साबित हो गया है कि चाय में जहर दिया गया है। हमारी टीम मजीद सबूत इकट्ठे कर रही है आपके घर से। पेशेंट की हालत अब बेहतर है। इसमें तो कोई शक नहीं है इंस्पेक्टर साहब की, ये सारी हरकत इसी लड़की की। मेरा बेटा होश में आएगा तो सारी हकीकत बता देगा। मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो जानती तक नहीं थी कि चाय में जहर था। पेशेंट को होश आ गया है मगर वो किसी से भी मिलने से पहले इंस्पेक्टर साहब को अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहता है। तो इंस्पेक्टर साहब मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ चलिए प्लीज। आप आ जाइए मेरे साथ। तुम्हें तो मैं ऐसी इब्रतनाक सजा दिलवाऊंगी कि इब्रत का निशान बन जाओगी तुम दुनिया के आगे। इज्जत रास नहीं आई तुम्हें? तुम्हें कितने खुलूस और मोहब्बत से लेके आया था। वाकई सोमिया, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम भाई के साथ ऐसा करोगी।